गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेवेंथ। लेट्स सब्जेक्ट आपका है लेट्स बूट कंप्यूटर। ओके स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक। आपका हम कल हमने आपको सेकेंड चैप्टर के आपको क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कराए थे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया था, आपका सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था और थर्ड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया था। ओके स्टूडेंट्स, आज हम आपको और आपकी बुक भी कंप्लीट हो गई थी। ओके स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राइट द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव सेल रेफरेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मैंने आपको नोट डाउन किया हुआ है, तो आप लोग देख लीजिए। रिलेटिव आपका आंसर 4 क्या है, रिलेटिव सेल्स रेफरेंस इन अ बेसिक सेल रेफरेंस दैट एडजस्ट एंड चेंज When copied, whereas absolute cell reference do not change when copied or filtered field. Relative cell reference is the default cell reference in Excel. Okay students, तो ये आपका answer number 4 है यहाँ तक। Okay students, आपका ये answer number 4 हो गया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑपरेटर्स प्रोड्यूसेंस प्रेसिडेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका है ऑपरेटर प्रेसिडेंस इज अ ऑर्डर बाय विच एक्सेल इवॉल्व्स एंड परफॉर्म्स द कैलकुलेशंस इन अ स्पेसिफाइड ऑर्डर इन अ फॉर्मूला विद सर्वल ऑपरेटर। एक्सेल ऑलवेज परफॉर्म्स मल्टीप्लीकेशन बिफोर एडिशन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका हो गया, आपके ये 4 और 5 क्वेश्चंस हो गए। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके 5 क्वेश्चन थे और 5 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए। आपके ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको नेक्स्ट डे आपको करवाया था। आपका फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया। आई होप आप लोग जिसका नहीं हुआ हो तो आप लोग भी इसको कंप्लीट कर लीजिएगा 5 क्वेश्चन। थर्ड आपका ये हो गया, ये आपका थर्ड हो गया, फर्स्ट और सेकंड आपके ये दोनों हैं। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड आपका ये हो गया और 4 आपका ये हो गया और 5 आपका ये हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए और 5 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करके और ऑल स्टूडेंट्स को मुझे इसकी पिक सेंड करनी, क्योंकि आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है और सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। बार बार मुझे नहीं बोलना पड़े, आप लोग सीनियर क्लास के स्टूडेंट्स हैं, इसलिए वर्क कंप्लीट करके जितना मैं वर्क आपको करवाती हूँ उतना वर्क कंप्लीट करके आप लोग इसकी मुझे पिक सेंड करिएगा। अगर आप पिक सेंड नहीं करेंगे तो फिर मैं आपको आगे वर्क कंटिन्यू नहीं करवाऊंगी, क्योंकि आप लोग सीनियर क्लास है। बार बार छोटी क्लास तो है नहीं आपकी, मैं बार बार आपको बोलती रहूं, लेकिन आप एक बार में आपको समझ में आ जाना चाहिए। वर्क अगर मैं कराती हूं तो आपको भी कंप्लीट करके उसकी मुझे पिक सेंड करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप दोनों चैप्टर की जिसका भी वर्क नहीं हुआ है वो कंप्लीट करके और मुझे इसकी पिक सेंड करिएगा। इसलिए मैंने आपको दोबारा भी जो 3 क्वेश्चन करवाए थे मैंने वो भी आपको इस वीडियो पे दिखा दिया है, तो आप लोग कंप्लीट करके और इसकी पिक मुझे सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू।